अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों के अंदर उनके कंधे झुके हुए महसूस होते हैं। शर्ट पहनते हैं तो शर्ट अच्छी नहीं लगती, पोस्चर आगे को बिल्कुल स्लाउच रहता है, झुका झुका रहता है, और कंधे के इस जगह पे, गर्दन के इस जगह पे उन्हें एक हंप महसूस होता है जो कि उभार होता है बकायदा तौर पे। इस पोजीशन में आप तस्वीर खिंचवाएं या चलें, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आप फील करते हैं, चूंकि आपका पोस्चर ही सीधा नहीं है। ये मसला खवातीन में मर्दों की निस्बत बहुत ज्यादा देखा जाता है। उसकी काफी ज्यादा वजूहत है, जिसमें से जो मेजर वजह है वो है कि आपके पोस्चर के कुछ मसल्स हैं, खासतौर पे गर्दन और कंधों के मसल हैं, जो डेली एक्टिविटी ना करने की वजह से कमजोर हो जाते हैं, और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मसला बढ़ता बढ़ता आपके पोस्चर का खराब होना, आपके गर्दन का आगे की तरफ चले जाना और ये झुकाव बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वर्जिशें बताऊंगा, अगर आप घर में रह के 10 मिनट वो वर्जिशें कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके कंधे भी वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, ये जो गर्दन का हम्प है ये भी बेहतर हो जाएगा, और आपका पोस्चर बेहतर हो जाएगा, आपको शर्ट पहने कपड़े पहने अच्छे लगेंगे और आप अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस महसूस। अच्छा, इसके लिए जो वर्जिश है उसमें आपको चाहिए रेजिस्टेंस बैंड, ये रेजिस्टेंस बैंड मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अच्छा, आपने करना यह है कि सबसे पहले इस तरह खड़े होकर, सबसे पहली वर्जिश है रोइंग। रोइंग में आपने क्या करना है, इसको अपनी तरफ इस पोजीशन में आपने खींचेंगे और आपके जो कंधे के जो पीछे वाले मसल है इसमें वो ट्रेन होते हैं, खींचेंगे फिर छोड़ेंगे फिर खींचेंगे फिर छोड़ेंगे, इसको आपने पूरे दिन में 30 दफा करना है। दूसरे नंबर पे जो वर्जिश है उसको कहते हैं फेस पुल। आपने इसको इस तरह सामने से अपने चेहरे की तरफ इस पोजिशन में खींचना है और ये बिल्कुल 90 के एंगल होना चाहिए, यानी कि कंधे बिल्कुल ये इस तरह 90 के एंगल पे होने चाहिए, और इस तरह आपने इसको भी 30 दफा करना है। तीसरी जो वर्जिश है उसको कहते हैं वाई रेजेस। आपने वाई बनाना है अपने बाजुओं का, ये या वाई बनाएंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी, कोनियां बिल्कुल अकड़ा कर रखेंगे, ये इससे भी आपके कंधे के लोअर ट्रैप मसल काफी ज्यादा ट्रेन होते हैं जो कि डायरेक्ट लिंक कर रहे होते हैं आपके पोस्चर के साथ। और जो तीसरी चौथी और आखिरी वर्जिश है वो है टी पुल। आपने अपने बाजुओं का इस तरह टी बनाना है, ये कंधे बिल्कुल ये पैरेलल होंगे आपका, बिल्कुल ये ग्राउंड के साथ पैरेलल होंगे, और आपने इसको भी पूरे दिन में 30 दफा करना है। ये वर्जिशें करके देखें, आप देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर आपका पोस्चर बेहतरी की तरफ आता है और आपकी जो अक्सर आपको कंधे में मसल्स में दर्दें वगैरह रहती हैं तो वो आपकी किस तरह ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सादा सा प्रोडक्ट है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मैं नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा जहां आप रब्ता करके ये आप ऑर्डर करवा सकते हैं। इसको आप इस्तेमाल करें, ये एक मिनी जिम है, आप घर में से इस्तेमाल करेंगे, आपको ना जिम में जाने का टाइम जरूरी है ना आपको किसी किस्म का स्पेशल इसके लिए टाइम निकालने की जरूरत है। आसानी से दिन में जिस मर्जी टाइम आप किचन में खड़े हैं, बाथरूम में खड़े हैं, जहां आपको टाइम आप ये वर्जिश करें, आप देखेंगे कुछ दिनों में आपका पोस्चर बेहतरी की तरफ आता है। मेरा नाम है सलमान फरोज, अस्सलाम वालेकुम।